स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात में नंबर वन बनाने के संकल्प लेने के लिए पुलक मंच युवा प्रकोष्ठ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बीती शाम इंदौर के अभय प्रशाल में आयोजित इस कार्यक्रम संकल्प में जैन समाज के हजारों लोगों के बीच प्रख्यात अभिनेता और एंकर अनु कपूर भी मौजूद रहे। युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पीयूष रावका और विपिन पाचनी के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पुलक मंच के संरक्षक प्रदीप बड़जातिया, कमल रावका, नीता जैन, मनीष अजमेरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रारंभ में लोह तरंग वादक रामगोपाल जादम द्वारा नमोकार मंत्र की मंगल तरंगों से कार्यक्रम का आगाज हुआ। वहीं बांसुरी पर नमोकार मंत्र की धुन पर आर्चिश पाटोदी ने मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन में अभिनेता अनु कपूर के साथ प्रमुख अतिथि सांसद शंकर लालवानी, महापौर मालिनी गौड़, एसपी सूरज वर्मा, एडिशनल एसपी महेंद्र जैन, डीएसपी संतोष उपाध्याय, डीएसपी उमाकांत चौधरी, विधायक संजय शुक्ला, कांग्रेस नेता अशोक पाटनी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन मौजूद थे। इस अवसर पर ओशन बैंड के विपेश ने पुराने गानों का लाइव रिमिक्स की प्रस्तुति भी दी। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान दिया गया। पुलक जन चेतना मंच के द्वारा आज 9 वर्ष का आगाज करते हुए अभय प्रशाल इंदौर के अभय प्रशाल में एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता, जैसा कि हमारा प्रदेश और हमारा शहर, वैसे हमारा शहर इस बार फिर चौथे नंबर की पायदान, मतलब चौथी बार फिर से स्वच्छता में नंबर वन आने की उस पर है, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जैसा कि सुरक्षा को लेकर नारा दिया गया है, तो संकल्प के आयोजन के तहत स्वच्छता और सुरक्षा में हम प्रदेश को और शहर को नंबर वन बनाएं, इस बात के संकल्प को लेकर जैन समाज के सभी हमारे समाजजन यहां पर वरिष्ठ नेताओं के बीच में और समाज के गणमान्य नागरिकों के साथ में यहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया। नहीं, आज का कार्यक्रम है, एक दिवसीय कार्यक्रम है। इस मधुर बेला में हमारे बीच में ख्यात अभिनेता निर्देशक अनु कपूर जी हमारे बीच में उपस्थित हुए, और साथ ही इंडिया गॉट टैलेंट की जो उड़ीसा की टीम है, जिसमें इंडिया गॉट टैलेंट में जिसमें प्रथम पुरस्कार अर्जित किया, उस टीम का यहाँ पर परफॉर्मेंस हुआ है।